हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल फिलहाल टाइम मेरे साथ। और जस्ट अभी मैं निकल रहा हूँ डिगवाडी, जो हमारा गणेश मेला लगेगा वहाँ पर। सिंधरी का तो आपने देख लिया, मैंने सिंधरी का ब्लॉग ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर फटाफट देखो। आप इस वीडियो के नीचे आपको सजेशन करेगी, तो वो वीडियो जाकर एक बार देख लो सिंधरी वाला कैसा मेला लगे। और अभी चलते गणेश मेला देखने के लिए डिगवाडी, जो कि बहुत जैसे दो साल बाद सिंधरी में लगी वैसे दो साल बाद वहाँ भी लगी है, क्योंकि अगले साल उसके अगले साल तो नहीं लगी थी वो कोविड के कारण, बट अभी लगी है। पंडाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसे फोटोज़ वगैरह में देख रहे हैं। तो अभी जाएंगे लाइव देखेंगे, लाइव देखने के बाद आपको दिखाते हैं कि वहाँ के कैसा कैसा पंडाल है, कैसा मूर्ति है और क्या क्या मेला में आई है। सिंधरी का तो आपने देख लिया, बहुत कुछ आई है, तो वहाँ भी जाकर देखते हैं क्या क्या चीज़ आई है, कितनी भीड़ हो रही है। सिंधरी में फिलहाल अभी उतनी भीड़ नहीं है, बट वहाँ सुन रहे हैं डिगवाडी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि वो एक आपका सेंटर पॉइंट हो जाती है। डिगवाडी में जो है झरिया से भी लोग आते हैं, धनबाद से भी आते हैं, प्लस इधर हम लोग सिंधरी पाथरडी से भी जाते हैं, जिस कारण वो सेंटर पॉइंट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं, 7 बज गए, अब रेडी होते तुरंत फटाफट जाकर नीचे, उसका चलते सीधे हम लोग यहाँ से डिगवाडी मेला देखने के लिए। अभी बनी है वीडियो पे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह का ऑसम कंटेंट हमेशा चैनल पर देखने को मिलती रहती है। चलिए मिलता है डायरेक्ट में आपको मेला में।
खादी हैंडल ले गए थे खादी दाम है ना क्या पार्स है ना चलना नहीं है देना है रोल हम लोग क्या मंगाए हैं तो उसका रोल है घर के अंदर और इतनी ज़्यादा भीड़ है मैं कह रहा है कि क्या ही बताया।